हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो आज हमारे साथ गाड़ी है ये, दिस इज द एक्सयूवी 500 जो कि कन्वर्ट करी गई है इसमें, मतलब इसमें सनरूफ का मॉडिफिकेशंस कराया गया है। सो ऐसी कुछ अंदर से गाड़ी है और गाड़ी सेल के लिए है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा गाड़ी में क्या सब फीचर्स है क्या नहीं। सो चलिए गाइज शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। गाइस जल्दी से गाड़ी का वॉक अराउंड देख लेते हैं कि क्या क्या मिल जाता है हमको गाड़ी में। सो फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा वो जो कि है क्रोम में, और यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है। इसकी ग्रिल आपको फाइबर में मिल जाएगी, इसके ऊपर क्रोम की ट्रीटमेंट करी गई है। और नीचे में हम आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भी ग्रिल आपको फाइबर में ही मिलेगी और अंदर रहा रेडिएटर। तो थोड़ा सा साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स मिल जाएंगे नीचे में जो कि हैलोजन में, और यहाँ पे आपको दो हैलोजन लैंप्स मिल जाएंगे, ये और ये, और ये आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, और यहाँ पे इसे आपकी आएगी DRLs, ठीक है। तो ये साइड में भी आपको सेम मिलेगा वैसा ही, और यहाँ पे भी आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दो हेलोजन और यहाँ पे प्रोजेक्टर और यहाँ पे DRL ऊपर में, एंड इसका बहुत ही ज़्यादा मैसिव हुड है। और यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाएगा ऐसा कुछ, इसका ग्लास, और यहाँ पे शायद ये कैमरा। और बाजू में आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप सुंदर से यहाँ पे अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। और टायर सेक्शन की बात करेंगे तो 235/65 R17 इंच का इसका अलॉय है, और पीछे में हम जाएंगे तो 235/65 R17, यानी दोनों ही टायर साइज सेम है। और टायर की आप कंडीशन देख सकते हो आपके सामने है, एंड ये गाड़ी सेल के लिए है इंडियन मोटर्स पे। सो थैंक यू सो मच इंडियन मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। सो आपको कोई भी डील अगर इनसे रही ना चाहिए रही तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनके पास बहुत बेहतरीन गाड़ी आती है। यहाँ पे ऐसा कुछ गेट खुल जाता है, मैंने ये मिरर जानबूझ के ओपन रखा है, हालांकि ये ऊपर हो जाएगा। मैंने ये नीचे इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाबी अगर गाड़ी में भूल गया तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। तो ये रही गाड़ी की चाबी, और जल्दी से लगाते हैं इसकी चाबी, ऐसे कुछ खुल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर लगा देते हैं इसकी चाबी, और ये हो गया इसका मीटर स्टार्ट। तो देख सकते हो आप 86,710 किलोमीटर से गाड़ी चली हुई है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेशन आ जाता है, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर आ जाएगा, और बीच में ये देखिए आपको यहाँ पे ये जो इंडिकेशन आ रहा है ये इंडिकेशन है सीट बेल्ट का, और ये डोर ओपन का इंडिकेशन है, यहाँ पे फ्यूल का आ जाएगा, बैटरी का आ जाएगा, और इंजन में कुछ दिक्कत रही तो ये ब्लिंक करेगा, एंड यहाँ पे आपका RPM मीटर आ जाएगा, और यहाँ पे कार का टेम्परेचर शो हो जाएगा। और इधर आएंगे स्टेयरिंग व्हील में तो आपको ऐसा कुछ हॉर्न मिल जाता है, और ये थोड़ी सी क्रोम ट्रीटमेंट इसकी चले गई है। एंड यहाँ पे आएंगे तो आपको एक क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एंड बाकी वॉइस कमांड का है इसमें वॉल्यूम का, यहाँ से आप कॉल उठा सकते हो या फिर डिक्लाइन कर सकते हो। तो इसमें एक स्क्रीन लगी हुई है जो कि आफ्टर मार्केट इन्होंने लगाई है, सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर वगैरह बता रहा है, यहाँ पे भी आपको किलोमीटर शो हो जाएंगे, यहाँ पे आपका वाईफाई का स्पीड दिखा देगा, टाइमिंग दिखा देगा, वॉल्यूम दिखा देगा, और आपको यहाँ पे आएगा तो रीसेंट ऐप का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो म्यूजिक प्लेयर है, यूट्यूब है, वाईफाई है, रीसेंट ऐप हमने उड़ा दिए हैं, तो यहाँ पे नेविगेशन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे रेडियो है। तो खैर ये कुछ अच्छा रिस्पॉन्स कर नहीं रहा है, सो हम इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको छोटी सी स्पेस दी गई है, कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। और यहाँ पे ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि ये यहाँ पे आपको ऊपर में भी एक कंपार्टमेंट मिल जाता है, और नीचे में भी आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है विथ लाइट, और यहाँ पे देख सकते हो आप पार्टीशन भी करा हुआ है, क्या बात है। और ये वायर्स है तो इसमें आप USB अपना लगा के फ़ोन चार्ज कर सकते हो आराम से। यहाँ पे AC के वेंट्स मिल जाएंगे 1, 2, 3, और ये यहाँ पे रहा चौथा, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे आप चारों मिरर कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे आपका इंडिकेटर वो सब आ जाएगा वाइपर वगैरह का, और यहाँ पे भी। तो स्टेयरिंग तो बता दिया मैंने, खैर और बीच में अगर आएंगे तो हमको बीच में AC के वगैरह कंट्रोल्स मिल जाएंगे, हजार्ड का कंट्रोल मिल जाएगा, एंड बीच में आते हैं तो आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिलेगा जो कि यहाँ से हो जाएगा थोड़ा सा सामने, इसमें आप हाथ रख के आराम से बैठ सकते हो,
और बीच में एक छोटा सा आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, ये रहा आपका हैंड ब्रेक। सो ये गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है, इसलिए आपको यहाँ पे पूरे लीवर्स मिल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है मिलना ही है वो। तो यहाँ पे देख सकते हो पैसेंजर सीट कुछ इस तरीके की है। और अभी आप आ जाते हो ऊपर तो आपको ये सन प्रोटेक्शन के लिए ये मिल जाएगा, तो ये आप निकाल के, सेम जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वैसा था, लेकिन ये मेरे को समझा नहीं ये क्या चीज़ है। तो ये भी यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आपका एक गॉगल होल्डर या फिर ग्लासेस होल्डर, सनग्लास कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे आपको पूरा 180 डिग्री व्यू आ जाएगा कार का, ये देखिए। तो आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत आने नहीं वाली है ये कार चलाते समय, एंड लाइट्स इसके चालू है। और इसमें एक एम्बियंट लाइट जैसा पैटर्न है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेड, यहाँ पे ये रेड हुआ पड़ा है, एंड यहाँ पे भी। तो ये एम्बियंट लाइट है, लेकिन ये सिंगल कलर में ही रहता है, ये रेड में ही रहता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक इसमें लाइट आता है नीचे में। सो यस, ये जो देख रहे हो ना आप, ये रेड कलर का, तो ये भी रात में चालू हो जाता है। सो एक अच्छा है फीचर। एंड ऐसे कुछ लेग रूम है यहाँ पे देख सकते हो आप सामने की। और अभी हम जाते हैं रेयर सेक्शन में, और रेयर सेक्शन में जाके देखते हैं कि क्या क्या सीन आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। तो रेयर में जाने के लिए आपको मिलता है ये, इसके ऊपर आप पैर रख के, ये गाड़ी मैंने खोली, ये पैर रखो और इसके अंदर बैठ जाओ। हालांकि मेरी हाइट थोड़ी 5'7" है, और मैं फुटपाथ के ऊपर से चढ़ा तो थोड़ा हाइटेड लगा चढ़ने में, ऊपर चले गया था। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर कहीं गड्ढा रहा तो आप इस पर आराम से पैर रख के आराम से चढ़ सकते हो, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा या फिर ऑकवर्ड नहीं होगा कहीं पर। तो ये काफ़ी ठीक लगा मुझे। तो रेयर में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर, वहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे मिरर कंट्रोल, वहाँ पे मिरर कंट्रोल, यहाँ से आपका गेट खुल जाएगा आराम से, यहाँ पे आप पकड़ के बैठ सकते हो, यहाँ पे भी पकड़ के बैठ सकते हो, और वहाँ पे भी आपको वो फीचर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पकड़ के बैठ सकते हो आराम से। तो यहाँ पे बैठ जाएंगे 3 लोग, और मेरे पीछे जो है वो बैठ जाएंगे 2 लोग आराम से। और यहाँ से आपको क्या करना है, जस्ट ये दिख रहा है, ये इसको ऊपर करके, ये सीट जो है ये वाली, तो ये सीट जो है वो ऐसा नीचे आ जाएगी, और फिर यहाँ से कोई भी चढ़ के 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, मेरे जैसे 3 बैठ जाएंगे अगर कहीं दूर का सफ़र नहीं रहा तो। लेकिन अगर सिटी के सिटी में कहीं घूमना होगा तो आराम से हम बैठ सकते हैं। तो आगे 2 लोग, बीच में 3 लोग, और पीछे 2 लोग, सो यहाँ पे टोटल 7 लोग बैठेंगे। और यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे सनरूफ हम ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई साहब सनरूफ देखिए इसका कितना सुंदर है। सो भैया 2 मिनट कपड़ा लगा रहे हैं, सो मैं तब तक के 2 मिनट बैठता हूँ और आपको सनरूफ दिखा दूँ। तो यस हो गया इनका, तो यहाँ से हम करेंगे सनरूफ ओपन। ओ माय गॉड, वाओ। तो ऐसा सनरूफ हो चुका है ओपन, और अभी इसको करते हैं बंद। कितना प्रॉपर कंडीशन में, कितना अच्छा वर्क कर रहा है, एकदम स्मूथ, एकदम स्मूथ। और ये हमने उसको ऊपर कर दिया, तो ये जो है ये ऊपर करने का फंक्शन है ना, यहाँ पे एक देख सकते हो। तो यहाँ से देखिए सनरूफ कुछ ऐसा ऊपर हो जाता है, दबा तो यहाँ से ये ऊपर हो जाता है, इससे थोड़ी सी हवा आ जाएगी, या फिर आपको ऐसा अंदर का जो है एकदम गर्मी हो बाहर आराम से निकल जाएंगे, या फिर कोई कोई स्टाइल के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। तो इसको यहाँ से बीच में से आराम से ये बंद हो जाएगा। ओके, ये हो गया बंद। तो ऐसा कुछ पीछे का सेक्शन है, और पीछे में बैठ के भी अच्छा खासा है लेग रूम। और ये देखो लेग रूम बीच वाले के लिए, साइड वाले के लिए। और यहाँ पे आपको छोटा सा आर्म रेस्ट मिल जाएगा जिसमें 2 कप होल्डर है। तो 2 कप होल्डर होने की वजह से अगर कोई हेल्दी इंसान है, या फिर कोई ज़्यादा अच्छा जिसकी हालत हो और जिसका फोरआर्म थोड़ा मजबूत यानी बड़ा हो, तो उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा यहाँ पे बैठने में, क्योंकि मुझे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ऐसा साइड में, एक साइड में ऐसा हाथ रख सकता हूँ। लेकिन कोई अगर रहा जिसको बीच में ऐसा हाथ रखने का रहा, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि ये बीच में फाइबर है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको, और ये आपको लगा देना है आर्मरेस्ट ऐसे। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाएगा नीचे में। तो सामने का जो बताने का था, ये सीट्स जो है यहाँ से ऐसा एक रॉड है नीचे, तो इसको आप पकड़ के ऐसा पीछे भी जा सकते हो, या फिर इसको आगे भी सरका सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरे लिए इतना ठीक है, इट्स मोर देन सफिशियंट, ये अच्छा खासा हो गया लॉक। तो ये जो XUV है इसका मॉडल है 2013 का, सेकंड ओनर, और ये W6 मॉडल है जिसको कन्वर्ट करा गया है W10 में। सो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई है, 2013 मॉडल, सेकंड ओनर, और W6 को कन्वर्ट करा गया है W10 में। यहाँ पे देख सकते हो आप W6 लिखा गया है, तो सनरूफ लगा के वो सब हो गया है।
एंड यहाँ पे नेशनल ज्योग्राफिक एडवेंचर कोई होगा शौकीन जिसने वो लिखाया होगा या फिर बाय डिफॉल्ट कंपनी से ही आया होगा।